Welcome to online class of Prayag Public School. Today I am here with English conversation of and welcome to session of English conversation. Students, today I have some quiz for your conversation. Okay, if you want to ask something and if you want to answer something, how do you respond? Okay. Students, so have a look on it. Okay, there is first question is question 1, how many family members do you have? What is the meaning of it? How many family members do you have? Aapke kitne family members hain? If anyone ask, how many family members do you have? आपके कितने फैमिली मेंबर्स है? एंड इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, अगर आपको किसी से पूछना है तो कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो हाउ डू यू आस्क, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू हैव, देन यू विल रिप्लाई हाउ डू यू रिप्लाई आई हैव. ओके, इफ यू हैव 4 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, वट एवर यू नो, तो यू विल रिप्लाई आई हैव. Here mention, you will mention your number 9, 6, 4, 5, whatever. I have members in my family. मेरे घर में इतने family members हैं. Now I moving forward to our next question. Question 2, what are their names? Okay, next, what will you ask? What are their names? उनके नाम क्या हैं? Okay. So, you will answer or he or she will answer. हो सकता है आपसे कोई ये question पूछ रहा है, या आपको अगर किसी के family के लिए पूछना है तो आप कैसे पूछोगे? Okay? तो what are their names? उनके नाम क्या है? Their names are, you will tell their name. Okay? जो भी उनके name है आपके family members के, you will tell here. Now, I am moving forward to question 3. Question 3, what are your parents' name? Okay, what are your parents' name? आपके parents का नाम क्या है, यानी मम्मी पापा का? So, you will answer और he or she will answer. वो आपको, आप या तो पूछेंगे, अगर आप पूछेंगे तो next आपको answer करेगा. तो आप कैसे पूछेंगे, आप ये भी सीख रहे हो, और आप अगर answer करते हैं तो how would you answer? Okay? My parents' name are Mr. Father को Mr. बोलते हैं, Mrs. Mother को Mrs. बोलते हैं. My parents' names are Mr. whatever and Mrs. You will answer like this. And now question 4. What does your father do? Means what does your father do? आपके पापा क्या करते हैं? मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डज योर फादर डू, या आप किसी से पूछना चाहते हैं व्हाट डज योर फादर डू, आपके पापा क्या करते हैं? नाउ यू विल आंसर माय फादर इज अ, इट मे बी योर फादर इज अ सर्विस मैन, योर फादर इज अ बिजनेस मैन, योर फादर वर्क समवेयर, लाइक किसी भी पोस्ट में आपके फादर वर्क करते हैं, देन यू विल answer it like this. My father is a businessman. My father is a serviceman. My father is a army man. My father is a army officer. Whatever, my father is a doctor. My father is a journalist. Whatever your father, you will answer. Okay, now I am moving forward to next question. Question 5. Where does your father work? Where does your father work? Generally, आपको ये question पूछना होता है या आपको ये आंसर करना होता है, तो बोथ यू लर्न लाइक दिस. सो व्हाट डज योर फादर डू, आपके पापा क्या करते हैं? यू विल आंसर और ही और सी विल आंसर माय फादर वर्क्स इन, मेरे फादर किस में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, आप आंसर करें माय फादर वर्क्स इन दिल्ली, माय फादर वर्क्स इन प्रयागराज, माय फादर वर्क्स इन Noida, whatever, you will answer like this. Now, I am moving forward to our next question.
वॉट इज योर फेवरेट थिंग टू डू एज अ फैमिली. अब आप घर में कुछ ना कुछ करते हैं, ओके आप अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो आप क्या करते हो? ओके सो अब आप क्या करते हो ये आपको आंसर करना है. इट्स योर चॉइस व्हाट वुड यू आंसर, बट आई हैव अ आंसर लाइक दिस. आई हेल्प देम इन गार्डनिंग. जनरली घर में क्या होता है, लोग गार्डनिंग करते हैं या पौधों में पानी देते हैं, वाटरिंग करते हैं. तो आप क्या करते हो, या कभी कभी क्या होता है किचन में आप थोड़ी बहुत अपनी पेरेंट की हेल्प कर सकते, मदर की हेल्प कर सकते हो, तो किस वे से आप उनको हेल्प करते हो, एज अ फैमिली मेम्बर क्या सपोर्ट करते हो, आप वैसे करोगे या आपको किसी से पूछना है? ठीक है, देयर आर बोथ. आप किसी से पूछ सकते हो या आपसे कोई पूछ सकता है, तो आप आंसर कैसे करोगे, और अगर हमें पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे? ओके लाइक दिस, व्हाट इज योर फेवरेट थिंग टू डू एज अ फैमिली. आप फैमिली के में आप क्या करना पसंद करते हो या क्या करते हो? आई हेल्प देम इन गार्डनिंग. ओके मैंने एक आंसर दिया है आपको, आई हेल्प देम इन गार्डनिंग. ओके स्टूडेंट, सो आई रिपीट, सो यू विल read these questions, you will write these questions in your conversation copy, and you will answer these questions, and you will frame the question, answer and questions like this. Okay, so I repeat, question 1, how many family members do you have? Aapke kitne family members hain? Now next one, I have 9 members in family, I have 6, I have 7, I have 8, whatever. Next, What are their names? उनके नाम क्या हैं? Their names are. You will tell their name. Okay. Now next. What are your parents' name? आपके parents का name क्या है? My parents' names are Mr. Your father and Mrs. Your mother. You will tell their name. What does your father do? आपके पापा क्या करते हैं? You will answer. My father is a businessman. My father is a serviceman. My father is a banker. My father is a army man. My father is an army officer. Whatever, you will answer like this, or you will question like this. Okay? So, where does your father work? Where does your father work? आपके पापा कहाँ काम करते हैं? Then you will answer. My father works in. My father works in Prayagraj, my father works in Delhi, my father works in Lucknow, whatever, where your father, my father works in Jammu, whatever you will. Now, next question, what is your favorite thing to do as a family? आप एक family member की तरह या family की तरह कौन सा काम आप पसंद करते हो? I help them in gardening. हाँ, मैंने यहाँ पे answer किया है कि मैं उनकी gardening में help करता हूँ. You can say I help them in kitchen. I help them in whatever you do. You can answer like this. So students, I have made some questions here to how would you converse with each other. आप पूछ भी सकते हो या आपसे कोई पूछता है, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि हमें कैसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं या हम आंसर कैसे करते हैं. ये बेसिक क्वेश्चंस है. सो What is your homework? You will write it in your homework copy and you will answer the questions. मैंने आपको आंसर दे रखा है, आप उनको फिल अप करोगे and you will send as a homework. So, have a good day.